दोस्त आप लोग देख पा रहे हैं जो कि अभी जो इस वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, यानी इस अभी जो वीडियो देख रहे हैं, ये माइक अब कनेक्टिंग नहीं है क्योंकि इस डिवाइस को मैंने बंद कर दिया। तो इस डिवाइस को बंद करने के बाद कैसा साउंड आ रहा है तो आप लोग क्लियर तरीके से समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे दोनों का डिफरेंस अच्छे तरीके से करके देखें, वीडियो को बैक करके या आगे लेकर कट करके देख सकते हैं क्लियर तरीके से, ठीक है। तो वीडियो अभी जो वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं ना, इस वीडियो में माइक कनेक्टेड नहीं है, ये माइक अब बंद है। तो आप लोगों के साथ कैसे सिंपल तरीके सारे कनेक्टिंग करेंगे, मैं सारे सब कुछ दिखा देना चाहता हूँ। तो सारे सब कुछ इजी प्रोसेस है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बहुत इजी तरीके से आप लोगों के साथ सिखाना चाहूँगी, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर इस माइक का अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, ऐसे डिस्क्रिप्शन आपको भी मिल जाएगा। तो बने रहिए, कैसे कनेक्टिंग करते हैं आप लोगों के सामने मैं दिखा देता हूँ। हेलो दोस्तों, आप लोगों ने एक प्ले स्टोर पर जाइए अपना, ठीक है। अपना प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको उस एप्लीकेशन दिखा देना चाहूँगी, जैसे कि इस एप्लीकेशन BTMONO, ठीक है। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जैसे कि मैंने डाउनलोड किया हुआ था, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों, जैसे कि अपना सिंपल सा ब्लूटूथ ऑन कर रखते हैं, ऑन रखना, और मैं अपना माइक जो मेरा ईयरफोन है जो कि Xiaomi का नेक बैंड, ठीक है, और मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं मी नेक बैंड ब्लूटूथ, जो मैं इसको डिवाइस को कनेक्टिंग करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कनेक्टिंग करना चाहूँगी, बोले तो ऑन हो गया, ये भी कनेक्टेड हो गया, ठीक है। हाँ, ये कनेक्टिंग होने के बाद सिंपली दोस्तों को जैसे कि एप्लीकेशन ऑन करोगे ना, ऑन करने के बाद कुछ मत करना, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल से ऑन कर देना, राइट। इसको सिंपल से ऑन करने के बाद आप लोग क्या करोगे, इसको ऑन करने के बाद इसको कहीं से भी आप क्लियर मत कर देना, आप सिर्फ मिनिमाइज कर देना, यानी सिर्फ पावर होम बटन को प्रेस करके रखना, जैसे कि हाँ ये जब ऑन होगा ना, देखो जैसे तो ये ब्लैक हो रहा है, जब ऑन होगा ना तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो सेम सेम ग्रीन होकर रखना चाहिए, और इसको वॉल्यूम को अप डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना, उसके बाद अपना ओपन कैमरा ऑन कर देना, ओके। अपना ओपन कैमरा ऑन करने के बाद बैक कैमरा ऑन कर सकते हो, बैक कैमरा ऑन करके बस सिंपल सा जैसे अपना ट्राइपॉड पे रखते हो, ट्राइपॉड पर रखने के बाद तो मैं आप लोग देख लेना कि जैसे कि मैंने अपना जो माइक रिकॉर्डिंग होता है ना उस टाइम आप लोग, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे कि मेरा शो कर रहा होता है, चलो आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि मेरा जो मेरा माइक कनेक्टिंग हो जाएगी ना, तो मेरा क्या होता है जो कि साउंड जो जो साउंड का जो जैसे लोगो मतलब कितना लाउडली साउंड आ रहा है, साउंड का जो ग्राफ होता है ना, जो जैसे कि बढ़ रहा व्हाइट कलर का, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्ड की तरफ से, तो ये प्रोसेस ना मेरा ऐसा ही काम करता है। तो दोस्तों जब ये देख रहे हो, मैं जब ये साउंड जो बातें कर रहा हूँ तो इस टाइम वो बहुत जोर से चल रहा है, तो आप लोग खुद ही बताइए कि जब मैंने सिंपल तरीके से ऑन किया, बस ऑन कर दिया, तो ओपन कैमरा जैसे इस्तेमाल करते इस्तेमाल करना, लेकिन BTMONO ऐप जो ब्लूटूथ कनेक्टेड एप्लीकेशन होता है उस एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको ऑन रखना, उसके बाद ऑटोमेटिक कनेक्टेड हो जाएगा, बस आपका काम सारे सब कुछ कम्प्लीट। तो ये रहा ओपन मतलब वायरलेस माइक ऐसे कनेक्टिंग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को इस वीडियो ऐसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों का शेयर कर देना, मैं ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। बस इस वीडियो को एंड करता हूँ दोस्तों, बने रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, आप लोग चाहते हैं कि मैंने कैसे ये Xiaomi का जो माइक है दोस्तों, इस माइक को कहने में कैसे मैंने इसको कनेक्टेड किया, इसके साथ मैंने कैसे कनेक्टेड किया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इस अभी जो आप लोग वीडियो इस वीडियो कंटेंट देख रहे हैं दोस्तों, ये माइक अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, यानी इसका जो जहाँ पे इसका माइक है ना दोस्तों, इस माइक माध्यम से रिकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे कि यहीं पे माइक है, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं बॉस, आप लोगों के साथ कुछ पहचान आ रहा होगा कि मैंने इसका ही माइक अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि दोस्तों इसका ही माइक मैं भी इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, शायद कुछ आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा होगा। तो इस माइक को कैसे इसके साथ इस मोबाइल के साथ कैसे कनेक्टिंग करके कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं,
कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, और इस प्रोसेस सारे डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो आप लोग, बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी, आप लोग वीडियो बने रहिए। चलो साथ मैंने शेयर करके